हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे कि हाउ टू ऑपरेट मोटर बाय प्रॉक्सिमिटी सेंसर, यानी कि मोटर को प्रॉक्सिमिटी सेंसर से कैसे ऑपरेट करें। सो गाइज, आज का ये जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाए जैसे कि आप कोई सेंसर के सामने अपना हाथ रखें और मोटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए, आप कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं जैसे कि आप कोई शोर के नीचे खड़े रह जाए और ऑटोमेटिक शोर में से पानी आने लगे, तो इस तरह की एप्लीकेशन बनाने के लिए आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, सो गाइस ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि कैसे मोटर को प्रॉक्सिमिटी सेंसर से हम ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस मोटर को प्रॉक्सिमिटी सेंसर से ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि MCB है। ठीक है, MCB से हम पावर को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें एक कॉन्टैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी और एक रिले की ज़रूरत पड़ेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉन्टैक्टर के साथ मैंने रिले को लगा दिया। ठीक है गाइस, हम रिले का यूज़ मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं, अगर आप मोटर को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप रिले को हटा भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा सुझाव है कि आप मोटर को प्रोटेक्ट करें, आप रिले का यूज़ करें। ठीक है, इसके अलावा हमें एक मोटर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आप मोटर की जगह कोई सबमर्सिबल पंप को कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मोटर ले रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर की ज़रूरत पड़ेगी। गाइस यहाँ पर हम प्रॉक्सिमिटी ACNO स्विच यूज़ कर रहे हैं। ठीक है गाइस, अगर आप चाहते हैं किसी और तरीके से, यानी कि कोई DC सेंसर हो या फिर कोई टाइमर हो या फिर कोई टेम्परेचर कंट्रोलर हो, अगर आप उससे मोटर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। गाइस ये सारे एलिमेंट्स आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन उसे परचेज करना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। गाइस इस ये सारे एलिमेंट के अलावा आपको एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और वो है वायर। आपको कंट्रोल और पावर वायरिंग के लिए वायर की भी ज़रूरत पड़ेगी। सो गाइस आइए देखते हैं कि कैसे हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर से मोटर को कंट्रोल करें। ठीक है, इससे पहले गाइस अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही नए नए वायरिंग के आइडियाज़ मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर से हम मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें एक MCB लेना है। ठीक है, और MCB के ये जो 3 इनपुट टर्मिनल है उसके साथ हमें सप्लाई कनेक्ट कर देना है। RYB फेज यहाँ पर हमें कनेक्ट कर देना है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक कॉन्टैक्टर लेना है और कॉन्टैक्टर के साथ हमें रिले को ऐसे कनेक्ट कर देना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्टैक्टर के जो 3 इनपुट टर्मिनल है L1, L2 और L3। ठीक है, इसके ऊपर आपको 2 टर्मिनल दिखाई देंगे, ये है सप्लाई के लिए दिए गए हैं। ठीक है, कोयल के सप्लाई के लिए A1 और A2 टर्मिनल यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको ये जो 3 इनपुट टर्मिनल है L1, L2 और L3, उसको ये जो मोटर MCB है इसके जो आउटपुट टर्मिनल है उसके साथ ऐसे कनेक्ट कर देने हैं। ठीक है, इसके बाद आपको एक मोटर लेना है और मोटर को ये जो रिले है, रिले के जो आउटपुट टर्मिनल है उसके साथ ऐसे कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये आपका पावर वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे कंट्रोल वायरिंग के बारे में। तो कंट्रोल वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हमें सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो RYB फेज है उसमें से हम किसी भी फेज में से सप्लाई ले सकते हैं। ठीक है, तो हम ये R फेज में से सप्लाई ले रहे हैं। ठीक है, मैंने R फेज में से सप्लाई लिया और ये जो रिले था, रिले के ये जो NC टर्मिनल है 95 और 96, उसमें से मैंने 96 के साथ कनेक्ट कर दिया। गाइस इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि हम कैसे कोई पुश बटन से मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं, और उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि NO और NC एलिमेंट क्या है और वो कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है। ठीक है, आप वहाँ जाके उसे देख सकते हैं। सो अब हम बात करेंगे कि ये जो 95 वाला जो टर्मिनल है, ठीक है, ये टर्मिनल को हमें जो सेंसर है उसके साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसे कनेक्ट कर दिया। उसके बाद ये सेंसर का जो दूसरा टर्मिनल है उसको हमें ये जो कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर का जो ये A1 टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद ये जो A2 टर्मिनल है उसको हमें न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये गाइस आपका ये जो कंट्रोल वायरिंग और ये पावर वायरिंग था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो सेंसर के द्वारा आप अगर मोटर को ऑपरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस तरह का पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये वायरिंग वर्क कैसे करेगा। तो सबसे पहले हम बात करें सप्लाई की, तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर इनपुट सप्लाई लगा रखा है। ठीक है, जैसे ही हम MCB ऑन करेंगे आउटपुट में हमें सप्लाई मिलेगा। ठीक है,
आप यहाँ पर देख सकते हैं कंट्रोल का जो मैं सप्लाई था हमने ये आर फेज में से लिया है, ठीक है। तो आर फेज में से ये पावर, ये जो रिले है, रिले का ये जो 96 वाला जो टर्मिनल है, ठीक है, वहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये एनसी टर्मिनल है, तो पावर 96 से 95 तक आ जाएगा, और 95 से पावर ये जो सेंसर है उसका जो पहला टर्मिनल है वहाँ तक आ जाएगा। सो गाइस, यहाँ से सेंसर का रोल स्टार्ट होता है। आप देख सकते हैं ये एनो टर्मिनल है, ठीक है, ये एनो सेंसर है, तो पावर ये जो टर्मिनल वन तक आया था, ठीक है, वहाँ तक रुक जाएगा, आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि ये एनो है, ठीक है। तो जैसे ही सेंसर के सामने कोई चीज़ आती है तो सेंसर सेंस करेगा और वो एनसी हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही वो एनसी होगा तो ये पावर जो टर्मिनल वन तक आया था वो आगे जाकर टर्मिनल टू तक आ जाएगा, और टर्मिनल टू से पावर ये जो A1 था, कॉन्टेक्टर का जो A1 था वहाँ तक आ जाएगा, और जैसे ही A1 को सप्लाई मिलेगा आपका कॉन्टेक्टर स्टार्ट हो जाएगा और मोटर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही गाइस ये जो सेंसर के सामने जो चीज़ आई थी वो जैसे ही सेंसर के सामने से हट जाएगी तो सेंसर फिर से एनो हो जाएगा, और ये कॉन्टेक्टर का जो A1 को जो सप्लाई मिल रहा था वो अब कट हो जाएगा, और आपका जो कॉन्टेक्टर था, आपका जो मोटर था, वो बंद हो जाएगा। सो गाइस, इस तरह से सेंसर के द्वारा हम किसी भी मोटर को ऑपरेट कर सकते हैं। गाइज, अगर आप चाहते हैं किसी और तरीके से मोटर को ऑपरेट करें तो आप हमें कमेंट कर देना, हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। सो गाइज, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।